हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि 14 जनवरी को मनाए जाने वाले इस पर्व को इस साल 15 जनवरी को क्यों मनाया जा रहा है। अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से हम आपको इस बात की जानकारी दे चुके हैं, जो सूर्य है वो सुबह 4 बजे यानी कि 15 जनवरी की सुबह प्रातः काल 4 बजे मकर राशि में प्रवेश करेगा, जिस वजह से 15 जनवरी को पूरे भारत वर्ष में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है और इसके लिए शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है सुबह 7:15 से लेकर 12:30 तक। बता दें आप लोगों को, ये तो हुई शुभ मुहूर्त की बात। जब ये महापर्व इतना ज्यादा बड़ा है, इतनी ज्यादा मान्यता है, तो इसके पीछे की पौराणिक कथा भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो इसीलिए आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि जब पूरे भारत वर्ष में मकर संक्रांति का पर्व इतनी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो इसके पीछे की जो पौराणिक कथाएं हैं वो किस प्रकार से हैं। चलिए आपको हम शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के पर्व से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं सुना देते हैं। पहली कथा कुछ इस प्रकार से है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं, क्योंकि शनि मकर राशि के देवता है, इसी कारण से इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। तो वहीं दूसरी कथा ये कहती है कि महाभारत युद्ध के महान योद्धा और कौरवों के सेना के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया था। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और उसे इस मृत्यु लोक में दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तभी भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए थे। भीष्म के निर्वाण दिवस को भीवाष्टमी भी कहा जाता है। तो वहीं इस पर्व से जुड़ी हुई एक और कथा इस प्रकार से है कि उसके अनुसार इस दिन धरती पर मां गंगा का प्रवेश हुआ था। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर इसी दिन मां गंगा अवतरित हुई थी और इसी उपलक्ष में पूरे देश भर में मकर संक्रांति मनाई जाती है। बता दें आप लोगों को कि इस दिन मां गंगा स्वर्ग के अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक जा पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भगीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इस दिन पर गंगा सागर में स्नान करने का भी बड़ा ज्यादा महत्व बताया जाता है। ये कुछ वजहें हैं, ये कुछ पौराणिक कथाएं हैं जिस वजह से मकर संक्रांति का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।